मैं छोड़ाए वालों से कहना चाहता हूँ, आप इस लड़के का स्वागत करो मत करो, इसको सम्मान दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम्मान आपको लेना है, आपको कहना है ये लड़का हमारी मिट्टी का है, हम उस मिट्टी के हैं जिस मिट्टी के लड़का है। अपनी प्रतिभाओं को, आप फूलों को अगर कुचलोगे तो हमारी जमीन, हमारे जमीन भी खत्म हो जाएगी और आसमान भी खत्म हो जाएगी। इन बच्चों को हथेलियों पे रखने की जरूरत नहीं है, इनको सिर माथे पे रखने की जरूरत है, क्योंकि केवल एक जाति का सम्मान नहीं है, क्षेत्र का सम्मान है। और क्षेत्र से बन के मैंने तो देखा है, पीयूष को तो बहुत अच्छा माहौल मिला होगा, हम तो मुंडू स्कूल में पढ़ते थे और हमारे नागरमल जी दीवारों पे लिखते थे और उनको पढ़ करके हमने सीखा कि जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए, छुआछूत में विश्वास नहीं रखना चाहिए, दहेज में विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमारे पढ़ाए हुए गुरु जी आज बुजुर्ग हो गए, इन लोगों ने हमें शिक्षा दी है। हमारे पैंट में मिट्टी भर जाया करती थी, नंगे पांव हम लोग पैदल चल करके नातू सर से आया करते थे, हमने तो वो तकलीफें दी है। पर मैं बच्चों से, खासतौर से जो सामने बच्चे बैठे, दो ही बात में मेरी बात खत्म करूंगा, आप लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूं, जो नई पीढ़ी है, कि खुदी को जला डाल अगर रोशनी चाहिए, खुदी को जला डाल अगर रोशनी चाहिए, यो अंधेरों में मुस्कुराने में रखा क्या है, बनना है तो सूरज बन के दिखा, कोई तारा बनने में दिखा, सूरज बनो सूरज। और दूसरी बात जो मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि किसी ऋषि ने कहा, कुंभ में सिंधु समाध नहीं, घड़े में समुद्र नहीं आता, लेकिन समुद्र के बेटे, घड़े के बेटे अगस्त ऋषि घड़े को, समुद्र को तीन जड़ों में पी गए थे। कुंभ में सिंधु समात नहीं, सुत कुंभ ने सिंधु की चरू भरी है, गणिका सुत भय रघुनाथ गुरु। नाचने वाली जो थी उसके बेटे भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ, गणिका सुत भय रघुनाथ गुरु, धिबरी सुत वेद कृपा करी है। और वेद व्यास जी की माँ जो थी वो मछुआरिन थी, मकड़ी सुत मार्कंडेय भय, मार्कंडेय ऋषि मकड़ी के बेटे थे और दासी के बेटे विदुर थे। तो कहने का मतलब है, अपनी करनी सुत हो तो बढ़ो, पितु वंश बढ़ो तो का कहना जाए, अपने कर्मों से आदमी बड़ा होता है, जाति से फर्क पड़ता है कि आप चुरुकार हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो आपको अपने कर्मों से बड़ा होना है और इतना बड़ा होना है कि आज इस 20-25 साल के लड़के के सामने हजारों आदमी प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएं और माला लेके साफा पहना के रहें। तो यह आपकी भी जीत है, भुटाड़ा की भी जीत है, मेरी भी जीत है और हम सबकी जीत है। आपने बुलाया और ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं क्षमा